भी बढ़िया था मेरा। सुबह सुबह उठने के बाद एनर्जेटिक फील कर रहा था, पर ये जो भी ऐसा इंसिडेंट होता है उसकी वजह से जो एनर्जी है वो पूरी लॉस ही हो जाती है। मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा ये तो जानने के लिए हमें थोड़ा सा शुरू से शुरू करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज है हम सोलापुर स्टेशन पे। नमस्कार। तो वैसे मेरे ट्रिप की एडवेंचर शुरू हो गई थी शिमला से और मैं सोलापुर से दिल्ली तक गया ट्रेन से। उसके बाद का जो सफर है आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा मेंशन कर दूंगा आपको कैसे कैसे जाना है, तो थोड़ी सी मदद हो जाएगी आपको। बाकी मेरा सर्विस सीन शुरू हुआ था तो वहीं से शुरू करेंगे। मैं अभी शिमला में हूँ, यहाँ से देखिए शिमला का पूरा व्यू आ रहा है। तो मैं अभी शिमला से निकलने वाला हूँ मनाली के लिए बाय रोड हिचहाइकिंग करते हुए। तो यहाँ से कम मुझे 7 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा, जहाँ से ट्रैफिक मतलब आधा उधर आधा इधर नहीं हुआ। ये जो अभी नीचे वाला रोड है ये चंडीगढ़ चला जाता है और ऊपर वाला रोड मनाली के लिए निकलते हैं। कुछ भी बोले यार, ट्रैफिक बहुत ही कम है यहाँ पे, तो जाने वाले लोग वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा मतलब चंडीगढ़ के लिए निकलने वाले लोग हैं। तो इसी वजह से मुझे थोड़ा सा क्या बोलते हैं वो अलग वाली फीलिंग आ रही है। कोई ना, फिर से ट्राई करूँगा थोड़ा सा और यहाँ से ज़्यादा से ट्राई करूँ कि लिफ्ट से जल्द से जल्द पहुँच जाऊँगा, क्योंकि 7 या 8 घंटे का रास्ता होगा यहाँ से। वो मतलब क्या बोलते हैं प्राइवेट व्हीकल या बस से लेंगे तो भी मुझे कम से कम 10 घंटे तो लग जाएंगे। चलिए सांस फूल रही है। शिमला से निकल नहीं पा रहा हूँ अभी तक, मतलब शिमला तो छूट गया पीछे, जो भी छोटे छोटे रिजॉर्ट्स वगैरह हैं वो तो ऐसे चलते रहेंगे। एक बात है, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो अगर अभी ट्रेन से अगर आएंगे तो आप जैसे उतरोगे ना 10 बंदे आएंगे, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं वो इनकी ड्यूटी है पता है, फिर भी ज़्यादा हो जाता है। मतलब कभी कभार बैग पकड़ लेते हैं, आपका सामान उठा लेंगे, आप पे डिपेंड है आपको जाना है कि नहीं। फिलहाल तो हूँ टूटू में। टूटू एक शिमला के पास का गांव है, वहाँ पे हूँ मैं और यहाँ तक छोटी छोटी 2 लिफ्ट मिली है। फिर भी मतलब लग रहा है अभी लिफ्ट मिलेगी क्योंकि जिनसे भी पूछता हूँ ना भाई यहाँ जा रहा हूँ तो पूछते हैं कैसे जा रहे हैं। उसके बाद मैं बोल देता हूँ कि मैं लिफ्ट मांगते हुए या चलते चलते जाऊँगा, तो बोलता है नहीं आपको लिफ्ट नहीं मिलेगी यहाँ पे। तो इसीलिए ट्राई कर रहा हूँ लिफ्ट मिल जाए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए ऐसे नज़ारे इंजॉय करते करते जा रहा हूँ, मस्त मज़े। शिमला से मनाली तक हिचहाइकिंग करने की सोच रहे हो तो एक बात याद रखना कि आपको HP 63 या 07 या कोई ऐसे मतलब जो आपको अभी यहाँ का जो लोकल नंबर प्लेट है उनसे लिफ्ट नहीं मांगनी है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्ट नहीं देंगे। अभी मैं पूछ रहा था थोड़ा सा, जिन्होंने मुझे आपकी लिफ्ट दी थी वो लोकल के ही थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको लोकल ज़्यादा नहीं देंगे लिफ्ट, ये छोड़ के आप कौन से भी लिफ्ट मांग लो आपको आराम से लिफ्ट मिल जाएंगे। तो इसीलिए ट्राई कर रहा हूँ अभी लिफ्ट ढूंढने की, अगर अच्छी लिफ्ट जल्दी मिल गई तो जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। लिफ्ट मिल चुकी है, सर ने अभी आगे सर 50 किलोमीटर हम कहाँ तक जाएगा अभी पराड़ी घाटी जाएगा। हाँ तो वहाँ तक अभी सर के साथ जाने वाला हूँ भाई। ऐसे तो नज़ारे तो बहुत ही बढ़िया है यहाँ से। तो वैसे शिमला में घूमने ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे, मैंने थोड़ा सा वहाँ मार्केट वगैरह एक्सप्लोर किया था और एक जगह थी जहाँ पर मैंने ये सभी फोटोज वगैरह ली। उसके बाद अगर आप बजट ट्रैवलिंग करते हो तो आप वहाँ के गुरुद्वारा में या धर्मशाला में रह सकते हो। आई थिंक इट विल कॉस्ट यू अराउंड 300 रुपीज़, सो आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो। और वहाँ मैं बढ़िया देखा, मैंने एक्सपीरियंस में भी धर्मशाला में एक दिन रहा था, खाना वगैरह खा लिया, थोड़ा सा वीकनेस फील हो रहा था तो एक 10 मिनट मैंने वहाँ पर रेस्ट करके फिर से ही चेकिंग के लिए निकल रहा हूँ। वैसे यहाँ से 190 किलोमीटर है मनाली, तो मनाली पहुँचने मुझे शाम तक मैं मनाली पहुँच जाऊँगा आराम से। एक सीमेंट की फैक्ट्री है, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं ट्रक ले लूँगा, पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगा कार में चला जाऊँ क्योंकि ट्रक बहुत ही स्लो जाएंगे, जहाँ मुझे 9 घंटे लगे वहाँ पर 10 घंटे लग जाएंगे। तो इसकी वजह से तो ये लिफ्ट मिलने से पहले मुझे बहुत वीकनेस फील हुआ था क्योंकि मैंने कुछ सुबह से खाया नहीं था। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे तो सुबह खा के निकलना, मेरी जैसी गलती मत कर देना। सबसे फेमस है मच्छी, अगर आप शिमला बाय रोड जा रहे हो मनाली तो यहाँ पे आपको मच्छी मिल जाएगा अच्छे वाला। मैं खाया नहीं क्योंकि मैं पेट भर चुका है मेरा,
तो इससे पहले जो अभी चेक मिली थी वो कम से कम 50 किलोमीटर की मिली होगी, उसके बाद यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। तो भाई साहब आपका नाम क्या है वो बताइए। शिवम शर्मा। शिवम शर्मा जी के साथ मैं अभी जा रहा हूँ जो हमें छोड़ रहे हैं एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट। भाई मैंने अभी तक कितने डिस्ट्रिक्ट क्रॉस किए हैं? शिमला से आज ये अभी तक तीसरा है, अभी आप चौथे में जाने वाले हैं। चार डिस्ट्रिक्ट पार कर चुका है आपका भाई, और अभी तीन और करेगा। और तीन करूंगा फिर पहुंचूंगा मनाली और बुर्रे। बस पहुंचूंगा क्या? हाँ, क्या आगे तो चल रहे हैं सर, ट्रक वाले से लिफ्ट मत लेना, बहुत धीरे पहुंचाएगा कल। नहीं, यह सबसे ज्यादा ट्रक बचते हैं, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा खाई में जाते हैं ट्रक। फिक्स सजेशन, हिचहाइकिंग करने वाले हो तो गलती से अभी ट्रक से मत आना, टू व्हीलर या फोर व्हीलर। टू व्हीलर वाले देखे ना, क्योंकि सिर के लिए चाहिए हेलमेट, और बिना हेलमेट के पुलिस चालान कट देगी। और यहाँ पे एक के पास एक भी नहीं होता, दो तो सवाई होंगे। हाँ वो तो है, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना कि कार ही मिले। मिल जाती है कार भाई, वैसे अभी कुछ नहीं की मिलेगी नहीं, मिल जाती है। ओ भाई साहब, ओपी डिस्ट्रिक्ट चेंज, हम डिस्ट्रिक्ट चेंज कर चुके हैं। अभी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? मंडी डिस्ट्रिक्ट। सुबह से आया आपके साथ, सबसे बढ़िया लगा मुझे, अपने अपने वाली फीलिंग जो होती है ना, दोस्त वाली। मेरे साथ ये बहुत है, मैं बहुत जल्दी दोस्त बना लेता हूं। हां सच्ची में भाई का कुछ अलग ही सीन है, मतलब ओपन माइंडेड जो बोलते हैं ना वैसे। यहाँ से कभी सेल्फ हिचहाइक सुना है? वो कर लिया मैंने, मतलब अभी भाई की बाइक खड़ी थी नीचे, तो भाई की बाइक लेके मैं थोड़ा सा आगे आया खुद से। ये सब मजे हिचहाइकिंग के, वरना आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखेंगे अभी, चलो फिर से हिचहाइकिंग शुरू करेंगे। थलाट बोल के जगह, वहाँ पे हूँ मैं। और कभी भी याद रखना कि लोकल लोग आपसे बहुत कहेंगे कि यहाँ से लिफ्ट नहीं मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेगा, आप बस ले लीजिए। अगर आप सच्ची में हिचहाइकिंग करना चाहते हो तो ये सब आपको देखने को मिल जाएगा, आपको बहुत सारी दिक्कतें भी आएगी। फिर भी यार कभी खुद पे से विश्वास उठने मत देना, इतना ही है। आप जहाँ से जाना चाहते हो वहाँ से आराम से पहुँच जाओगे, सिर्फ 100 टका देना। और इस रास्ते का तो इतना खतरनाक सिचुएशन है कि पूरा आपको यहाँ पे, मतलब ये देखिए ये कार पे पूरे यहाँ पे मतलब ऐसे ही पड़े हुए हैं। अगर एक घंटे भी यहाँ पे रुक गए तो काले काले हो जाएंगे। नाली सिर्फ 80 किलोमीटर है, और मैं लिफ्ट मांग मांग के थक गया हूँ। थोड़ी देर कहीं तो बैठ जाऊँगा आराम से, उसके बाद देखूँगा लिफ्ट मांगने का कुछ जुगाड़ होता है क्या। अरे भाई बहुत बहुत ट्राई कर रही है। आ रहा था आराम से, टनल वगैरह देख लिया, जो भाई थे मैं जिन्होंने मुझे मतलब टनल से आगे वगैरह लाया, तो बंदे भाई मिल गए वहाँ पे। उन्होंने कहा कि बंदे भाई को रुको रुको, मुझे लिफ्ट देने के लिए उन्होंने उनको रुका के लिया। तो अभी उनके साथ, बंदे भाई के साथ अभी कहाँ तक जाएंगे भैया? हम तो वहाँ से कितना किलोमीटर है अभी मनाली? 40 किलोमीटर। तो भैया ने छोड़ दिया यार, थैंक यू वेरी मच भैया। देखेंगे अभी मस्त मजे लेते हुए पहाड़, देखिए आप तब तक। वाह, यहाँ पे अभी रोड और टनल का काम चल रहा है, तो सारे जो सीमेंट पार्टिकल्स वगैरह हवा में चलते रहते।
फ्रेंड्स, एंड आज मैं हूँ मनाली में। कल रात मतलब क्या हुआ, मैं पहुँच गया था बड़े आराम से अपना कुल्लू के थोड़ा सा आगे पहुँच गया था मैं। उसके बाद शाम के मतलब शाम के 7 बजे थे तब, तो वहाँ पहुँच गया मैं आराम से। वहाँ से लिफ्ट नहीं मिल रही, तो लास्ट ऑप्शन मुझे मतलब जिन्होंने मुझे पोस्ट किया है राज भाई, तो उनके पास मुझे पहुँचना था रात तक, तो इसीलिए लास्ट को जाके मैंने 15 किलोमीटर की शायद बस ली होगी। पर भाई मतलब बहुत ही दिल को बुरा लगता है, क्योंकि मैं इतना कंप्लीट मतलब जो इतना बड़ा सर्किट है मैं कंप्लीट करके आया था शिमला से, और 15 किलोमीटर के लिए मेरे पीछे एक थोड़ी सी बर्बाद हो गई ऐसे बोल सकते हो। तो मैंने कहा था कि राज भाई से मिलने वाला हूँ, तो अपने राज भाई, तो राज भाई इंट्रोड्यूस कीजिए आपका खुद का। है, मेरा नाम सुशील है, मेरा बर्थ प्लेस भी है वाराणसी सिटी हमारी है। तो मैं मतलब लगभग 10 साल से मैं घूम रहा हूँ, जैसे मैं फॉर एग्जांपल कई शहरों को घूमा, 14 स्टेट तो अभी तक मैं घूम लिया ऐसे ऐसे ही घूमते। यहाँ पे कितने साल से हो गए? मैं 1 साल हो गया। 1 साल मनाली में, उससे पहले मैं था शिमला में। शिमला में हाँ, मुसाफिर। मुसाफिर कहने का मतलब ना, जब मुसाफिर बन के जब जिंदगी जियो ना, तो जिंदगी का नजरिया ही बदल जाता है। जीने का नजरिया, बोलने का नजरिया, सोचने का नजरिया, मतलब उसमें मैं नहीं रहता यार। मतलब कहने का मतलब ना, कुछ अलग अलग देखने का नजरिया, अलग करने का नजरिया, अलग सोचने का नजरिया होता है। मतलब जुनून, जुनून जहाँ जुनून है ना, वहाँ मेरे को सुकून मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं जहाँ पे जिस जगह पे जॉब कर रहा हूँ, खुद को रिजाइन दिया हूँ। हाँ। और वो कह रहे हैं कि यार इतना बढ़िया चीज को छोड़ के जा रहा है, पछताएगा। मैंने कहा यही तो मैं चाह रहा हूँ कि जिंदगी में पछताऊ, और जो पछताऊ वही तो सिखाता है जिंदगी जीना। मैंने ये एक्सपीरियंस हुआ है, मतलब मैं उनको बोला, वो शायद इस चीज को नहीं समझ पाए, क्योंकि वो चीज को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो कम्फर्ट जोन में। हाँ, कम्फर्ट जोन में। हाँ, मैंने कम्फर्ट जोन से बहुत दूर निकल गया, मतलब नहीं चाहिए। दस साल पहले निकल गए थे तब, मतलब स्टार्टिंग में पहले पॉइंट कहाँ था आपका, मतलब पहले बार कहा? नेपाल। नहीं, नेपाल में पोखरा रहा, काठमांडू रहा, 3 महीना पोखरा रहा, 3 महीना काठमांडू रहा। बाप रे बाप। तो वहाँ पे छोटी मोटी, वहाँ इंडियन करेंसी का तो थोड़ा वैल्यू है, मतलब 10 रुपया ले जाओगे तो 16 रुपया होता है, मतलब 10,000 का 16,000। हाँ। तो इंडियन करेंसी तो मतलब है वैल्यू। और उसके बाद एक चीज़ है ना, नेपाल में मैंने बहुत कुछ संस्कार सीखा, मतलब सभ्यता सीखा, हिंदू रीति रिवाज सीखी। हिंदू हूँ, मतलब वो वहाँ का हिंदू डिफरेंट माइंड के हैं, तो उन लोगों के साथ रह के एक चीज़ को सीखा, मतलब वहाँ से मेरी फर्स्ट जर्नी स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट जर्नी बहुत सी ठोकर खाया यार, बहुत से ऐसी कहानियाँ है ना कि मैं एक बार इसे भी डोज दे देंगे तो भाई क्या बोलते हैं, बड़ा डोज हो जाएगा, आराम आराम से देंगे। चलिए भाई, अभी 9-10 बज चुके हैं, आपके ड्यूटी का टाइम। ड्यूटी का टाइम। सॉरी, अभी मेरे को नाश्ता इसके लिए बनाना होगा। नाश्ता बनाना पड़ेगा, दूध आया होगा, इसको एप्पल भी आज खिलाना है, सब चीज करना है, सभी दिखाएंगे आज, क्योंकि 4 घंटे जिंदगी मिलती है तो हम लोग खुल के जी लेते हैं, खुल के जी लेते हैं। पता, फिर मेरे को ड्यूटी करना है, 12 बजे रात को खाली होगा। ठीक है गाइस, तो ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, राज भाई हमारे साथ है दो। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, नीचे मैं आपके राज भाई का इंस्टाग्राम लिंक कर दूंगा, और इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। एक चीज और, अगर आपको मैं अभी हमारा मैं काजा जाना चाहता हूँ जा रहा हूँ सॉरी जाना नहीं चाहता हूँ जा रहा हूँ अगर आप लोग वहाँ पे आके घूमना पसंद करोगे, तो मैं आपको इसके जरिए से मैं अपने आप को बता रहा हूँ कि हम काजा बहुत ही काजा मैं आपको एक अल्टीमेट माइंड से घुमाऊंगा, मतलब वहाँ की जो वेदर है, नेचर है, वहाँ की जो एडवेंचर है, जो वहाँ से लड़ने की वाली जो फीलिंग्स है, वो चीज़ आपको दिखाऊंगा। आपको मैं काजा जाके, अगर काजा कोई भी घूमना चाहे ना, आप इसको कॉन्टेक्ट करके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, ठीक है भाई, चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सी यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर।